हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक नॉर्मल टॉपिक है जिसको हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, जब भी आप हेडफोन यूज़ करते हैं या जब भी आप स्पीकर यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, तो उसमें वॉल्यूम कम होता है। उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं इंटरनली अपने सिस्टम के अंदर से, उस बारे में आज मैं बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्किल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने एक हेडफोन यूज़ किया है। देखिए, ये मेरा हेडफोन यहाँ पर चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लेबैक डिवाइस स्पीकर्स। दोस्तों, मैंने ये स्पीकर में सेट किया हुआ है। अगर आप अपने स्पीकर यूज़ करते हैं तो इस तरह से शो होगा, अगर आप अपना हेडफोन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर शो होगा। दोस्तों, दोनों की जो सेटिंग है वो सेम रहेंगी। दोनों की आवाज़ अगर आपको कम आ रही है तो किस तरह से आप उस आवाज़ को बढ़ा सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन होता है, क्योंकि उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद हेडफोन या स्पीकर जो भी है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का बटन आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि देखिए यहाँ स्पीकर की वॉल्यूम दी हुई है, ठीक है। तो ये स्पीकर की वॉल्यूम आप फुल कर लें। इसके अलावा जो आपके सिस्टम में यानी स्पीकर्स में या फिर आपके हेडफोन में जो बटन दिया होता है उसको आप एक बार चेक कर लें, उसको उसकी जो वॉल्यूम है वो पूरी तरह से खुली हुई है या नहीं खुली हुई। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं सिस्टम में इंटरनली उसकी वॉल्यूम को ओपन करना। तो दोस्तों, आपको यहाँ वॉल्यूम के बटन पर जाना होगा और यहाँ जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ प्लेबैक डिवाइस पर आपको जाना होगा। जैसे ही आप प्लेबैक डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एडिशनल विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ पर अगर आपने हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो राइट लगा हुआ है ना, ये स्पीकर्स पर, तो वो हेडफोन पर राइट लगा होगा, और आप स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो स्पीकर पर राइट लगा होगा। तो दोनों में से जिसकी भी आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों, जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको एक और विंडो ओपन होकर मिलेगी, और यहाँ पर देखिए इसमें जनरल होगा, लेवल्स होगा, एनहांसमेंट होगा और एडवांस होगा। तो दोस्तों, आपको जनरल में भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लेवल्स आता है, लेवल्स में आपको यहाँ दिखाई देगा आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली 50 सेलेक्ट हो रखा होगा। तो आपने क्या करना है, इसको पूरा 100 कर देना है, उसके बाद इसको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ लेवल्स को चेक करना है, 100 हो चुकी है। उसके अलावा देखिए एनहांसमेंट में जाना है और यहाँ पर देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई दिए हैं, तो आपके में हो सकता है ये ऑप्शन 3 हो। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ जो बेस बूस्ट है इस पर आपको चेक कर देना है, वर्चुअल सराउंड पे आपको चेक कर देना है, लाउडनेस पर आपको चेक कर देना है, ठीक है। इन तीनों पर आपको चेक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने हेडफोन की या अपने स्पीकर की जो आवाज़ है वो आपको चेक करनी चाहिए, ऑटोमेटिकली वो बढ़ चुकी होगी। दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये मेरा माइक्रोफोन चल रहा है इसलिए यहाँ पर राइट लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे आप वॉल्यूम बढ़ा सकें। तो जो भी ये फंक्शन थे मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर जाकर वॉल्यूम पर, और आपको प्लेबैक डिवाइस में जाकर यहाँ देखिए स्पीकर्स पे जाकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ लेवल्स में आपको फुल करना है और एनहांसमेंट पर चेक लगाना है। बस इतना करेंगे आप तो आपकी जो वॉल्यूम है आपके हेडफोन की या फिर आपके स्पीकर्स की वो कम से कम 30-40% बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मेरे स्पीकर्स में, मेरे हेडफोन में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा अगर प्रॉब्लम मुझे भी आ सकती है तो प्रॉब्लम आपको भी आती होगी, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।